के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2018 में हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि सभी को नियमित किया जाएगा और वेतन भी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा नहीं निभाया और हम लोगों को ना ही वेतन बढ़ाई गई है और ना ही हमें परमानेंट किया गया है। हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की दो ही प्रमुख मांगे हैं कि हमें नियमित किया जाए और हमारी वेतन भी बढ़ाई जाए। अगर सरकार हमारी बातों को अनदेखी करती है तो हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हम लोग तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को ज्ञापन भी सौंपा है। इस मामले में जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है, जैसे कि किसी भी तरह की कोई जांच नहीं हो पा रही है, दवाइयां भी वितरित नहीं हो पा रही है, इस तरह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाम है आपका? जितेंद्र व्यास। व्यास जी, आज सभी कर्मचारी, ये स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी संविदा कर्मचारियों की प्रमुख दो मांगे हैं, एक तो नियमितीकरण और एक 2018 की पॉलिसी जो 90% वेतन गई। अभी जो शिवराज सिंह मामा ने, सीएम साहब ने, हमारे ने संकल्प लिया था कि संविदा प्रथा खत्म करेंगे, आज दिनांक तक वो पॉलिसी ने ना तो 90% की लागू की है और ना नियमितीकरण किया है। इन्हीं दोनों मांगों को लेकर हम लोग सब क्रमबद्ध हड़ताल पर बैठे हैं। अब जब तक चलती है हड़ताल चलेगी। कब तक चलेगी आपकी हड़ताल? अनिश्चितकालीन है, इसका अभी कोई पता नहीं है कब तक चलेगी। जब तक वो मांगे में नहीं मानते हमारी, जब तक हड़ताल चलेगी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? अब रणनीति अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और जिले से जो भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा, हमारे जिला के जो समुदाय कर्मचारी है अधिकारी वो बताएंगे, वैसा हम लोग करेंगे। ब्लॉक ज्ञापन सौंपा है आपने? हाँ बिल्कुल, बीएमओ साहब को ज्ञापन सौंपा है हमने और वहाँ पे जिले वालों ने हमारे कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री को, उनको चिकित्सा अधिकारी को सौंपा है। सर, ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा आज हड़ताल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या क्या अव्यवस्थाएँ इनकी वजह से हो रही हैं, क्या कार्य प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पिछोर में सारे ही संविदा कर्मी 16 तारीख से हड़ताल पर हैं, उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है और जाहिर तौर पर ये निश्चित है कि सेवाएँ तो प्रभावित होती हैं, स्टाफ कम होता है, लेकिन फिर भी अपने स्तर से कुछ व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दवा वितरण है, इमरजेंसी ड्यूटी है, लेकिन कार्य तो प्रभावित होता है। इनके द्वारा आज सुबह मुझे ज्ञापन दिया गया है, शासकीय कैंपस में ही ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। सर, ये आपके अधीनस्थ ये लोग काम करते हैं, इनकी जो मांगे हैं, क्या आपको लगता है ये मांगे जायज़ हैं? इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा जो भी मांगें उठाई जाती हैं उन पे शासन अपने स्तर से विचार करता है और इन लोगों का जो मांग है वो शासन स्तर पे ज्ञापन के माध्यम से भेज दी गई है और शासन इस पर विचार करेगा। सर, इनकी जो हड़ताल चलने वाली है वो अनिश्चितकालीन है, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या प्री प्लान करके रखा है, तैयारियाँ, क्योंकि इससे काफ़ी स्वास्थ्य केंद्र का कार्य प्रभावित होगा? वैकल्पिक व्यवस्थाएँ बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ रेगुलर स्टाफ हमारे पास मौजूद है, कुछ खोल से किसी स्टाफ को बुलाया जाएगा, इस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जाएगी।